एंड यू आर वॉचिंग जर्नलिस्ट। तो गाइस इस वीडियो में मैं कुछ थोड़ा नया करने वाला हूँ। मैं आई व्लॉग बना रहा हूँ और मैं आपको घुमा के लाऊंगा जिम्स वसंत कुंज, जो कि मेरे घर से काफी दूर है। तो इस वीडियो में मैं आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वो जो कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, उसके अंदर मीडिया लैब है या फिर नहीं है, और वहाँ पे रेडियो है कि नहीं है, और विप्स और मेम्स के कंपेरिजन में जो जिम्स है उसका जो कैंपस है वो कितना बढ़िया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको साथ ही में आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ के जो मेट्रो रूट्स हैं वो क्या है, कि कौन सा जो मेट्रो रूट है सबसे पास है। तो गाइस सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप देखते रहिए मेरा वीडियो टिल द एंड। सो हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एरिठाला मेट्रो स्टेशन, और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। हम यहाँ से जिम्स जाएंगे और जो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन होगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेन बात ये है कि हम जो अपने स्टार्ट है वो हम यहाँ से कर रहे हैं, जो हमारा पहला स्टॉप है। तो गाइस हम रिठाला से बैठे हैं और हम रिठाला से पहले कश्मीरी गेट जाएंगे, जो कि यहाँ से एक घंटे का सफ़र है, और बीच में 18 स्टेशन आएंगे। उसके बाद हमें एक मेट्रो चेंज करनी है और फिर हम जाएंगे छतरपुर, जो कि जिम्स के सबसे पास वाला स्टेशन है, और वहाँ से फिर हम आगे ट्रैवल करेंगे। तो अभी काफ़ी देरी है और यहाँ से बहुत दूर है, तो उससे पहले आपको मैं मेट्रो दिखा देता हूँ कि मेट्रो कैसी है, और एक घंटे का सफ़र होने वाला है। तो गाइस आप देखिए आगे क्या होता है। हम कश्मीरी गेट पर हैं और हम यहाँ पर उतरे हैं अपनी मेट्रो से। इससे पहले हमने रेड लाइन ली थी, अब हम येलो लाइन लेंगे और हम आगे करेंगे प्रोसीड। और अभी हम इसके बाद हम छतरपुर जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड के लिए काफ़ी प्रिकॉशन ले रखे हैं, और मैंने भी मास्क ले रखे हैं अच्छी तरीके से सैनिटाइजेशन। तो गाइस फाइनली हम छतरपुर आ गए हैं और हम यहाँ से जिम्स जाएंगे, जो कि वसंत कुंज में है, और वो वाला रास्ता हमें रिक्शा या फिर और कुछ कोई जो मिलेगा व्हीकल उससे हमें आगे का रास्ता कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो गाइस फटाफट से चलते हैं जिम्स की ओर। तो गाइस फाइनली हम जिम पहुंच गए हैं, और ये वसंत कुंज का एरिया है। जो एरिया है वो ठीक ठाक है, ऐसा कोई ज़्यादा हाईली डेवलप्ड एरिया नहीं है एज़ कम्पेयर टू रोहिणी, जहाँ पे मोस्टली डेवलप्ड एरिया है। तो यहाँ पर आपको आना है तो आप यहाँ तो मेट्रो का ले सकते हो सहारा, जैसे मैंने आपको दिखाया छतरपुर आपको उतरना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बात करी जो गेट कीपर है उनसे, उन्होंने बताया कि अगर आपको रेड वाली बस लोगे तो आपके 10 रुपीज़ लगने वाले हैं छतरपुर से यहाँ तक के, और अगर आप ऑरेंज लाइन लेंगे तो आपके 5 रुपये लगेंगे, और अगर आप कुछ और लेंगे योर कन्वेंस जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो, तब आपके रुपये जो है 40 रुपीज़ लगेंगे। तो आपको इससे ज़्यादा पैसे देना ही नहीं है। तो मेनली आपको ये बताना था, अभी हम अंदर जाके आए हैं तो वहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अलाउड नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया हूँ, पर मैं आपको पूरा मैं अपने आप में देख के आया हूँ और सब कुछ मैं देख के आया हूँ अंदर से कैसा है क्या क्या है। अभी सबसे पहले आपको जिम्स दिखा देता हूँ कि जिम्स अंदर से कि बाहर से कैसे दिखता है। तो गाइस फाइनली हमने जो कैंपस जो है विजिट वो कर लिया है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि खाने कॉलेज के अंदर तो कैंटीन है ही, साथ में बाहर भी काफ़ी खाने पीने का है, बहुत सारे स्टॉल्स लगी हुई है। तो मैं आपको स्टॉल्स दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन से स्टॉल्स हैं। तो गाइस हमने कॉलेज तो देख लिया है, अब हम यहाँ से छतरपुर मंदिर जा रहे हैं, जो कि ऐसा बताया गया लोगों ने, ऑटो वाले भैया ने बताया कि जो मेट्रो स्टेशन है वो मेट्रो स्टेशन के उस सामने ही है, मतलब साइड में ही है। तो अभी तो हम छतरपुर जा रहे हैं और आपको दिखाता हूँ कि कितना पास है वहाँ से मेट्रो स्टेशन से। तो गाइस आखिरकार हमें यहाँ पे जो मेन गेट है छतरपुर का वो हमें दिख चुका है, और जो टेम्पल है वो काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छी यहाँ पे नक्काशी कर रखी है, काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पे अंदर जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है मेरा तो। और ये जिस हम गेट नंबर से घुसेंगे वो गेट नंबर 3 है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर तरीके से ये जो टेम्पल है बना हुआ है। तो
तो गाइस फाइनली मैं जिम्स का कैंपस विजिट करके आ चुका हूं। अब मैं आपको उसके बारे में एक ट्रू रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इसके अपार्ट में आपको मैं बता दूं कि मैं वहां के अंदर का यानी कि जो अंदर का जो कैंपस है वहां का फोटोग्राफी नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं था। मैं आपको बताता हूं इस कॉलेज की खूबियां और आपको बताऊंगा डिसएडवांटेजेस जो मेरे को लगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये जो क्वेश्चन होता है कि उस कॉलेज के अंदर मीडिया लैब्स है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जिम्स के अंदर जो मीडिया लैब्स है काफी अच्छी तरीके से बनी हुई है, प्रॉपर कैमराज है, प्रॉपर टेलीप्रॉम्प्टर है और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का कारपेट है जिससे कि जो वीडियो एडिटिंग वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से पूरा बैकग्राउंड बना सके। साथ ही में एक रूम है जिसके अंदर प्रॉपर मॉडर्न इक्विप्ड कंप्यूटर दे रखे हैं जिसके अंदर सारी की सारी एप्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जो वहां पे कंप्यूटर है वो एप्पल के हैं, तो मेरे हिसाब से उसके अंदर सारे के सारे जो चीजें होती है एप्स होते हैं वो काफी अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाते हैं। एक प्लस पॉइंट जो मुझे लगा जो कि आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि और किसी कॉलेज के अंदर है कि नहीं है ये, पर जिम्स के अंदर एक अपना खुद का एक रेडियो का लैब है जहां से वो टेलीकास्ट करते हैं रेडियो का जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ किलोमीटर तक जाती है, ऐसे वहां के एक सर ने मुझे बताया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि वहां से जिन बच्चों को रेडियो का शौक हो वहां से रेडियो के प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेडियो को प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट था। इसके अपार्टमेंट में आपको मैं बता दूं जो कैंपस था अंदर से वो अच्छा था, बुरा नहीं था, पर जो एरिया था वो कम था एज कम्पेयर टू हम विप्स के देखे या फिर हम महाराजा अग्रसेन के देखे सेक्टर 22 वाले का, तो जिम्स का जो एरिया था वो छोटा था पर फैसिलिटीज मेरे को यहाँ की काफी अच्छी लगी। और दूसरी बात, मैंने ऐसे सुना हुआ है अपने दोस्तों से और बाकी नोन से कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो काफी अच्छी है और वो ही एक कॉलेज के अंदर अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात तो थी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेट्रो स्टेशन से कॉलेज की दूरी कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेट्रो स्टेशन है सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन छतरपुर है, अगर आप वो येलो लाइन पर पड़ता है तो आपको कोई सी भी लाइन से आए पर आपको येलो लाइन में आना पड़ेगा, तो छतरपुर जो है वो येलो लाइन के अंदर आता है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से जो कॉलेज की दूरी है वो काफी दूर नहीं है, वो 5 से 6 मिनट का रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और टोटल हमें 3 कन्वेंस मिलते हैं वहां पे जाने के लिए, एक है जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक है ऑरेंज बस, एक है हमारी रेड बस और तीसरा है हमारा ऑटो रिक्शा। अगर आप रेड बस से आते हो तो आपके 10 रुपीज लगेंगे, अगर आप ऑरेंज बस से आते हो तो आपके 5 रुपीज लगेंगे एंड अगर आप ऑटो रिक्शा का सहारा लेते हो वहां आने का तो आपके 40 रुपीज लगेंगे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है और उनको जानना होता है कि आखिर कितना दूर है, उनको कितना समय लगेगा। जो बच्चे दूर से आते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये उन बच्चों के लिए था। तो गाइस मुझे तो कैंपस अच्छा लगा, कॉलेज अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं और भी कॉलेज में जाऊंगा, उनका भी आपको रिव्यू दूंगा। तो गाइस फटाफट से आप मेरे को सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई सा भी डाउट हो, कोई सी भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा उसका लिंक। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ayushsharma10, आप वहां आए, क्वेश्चन मुझसे पूछिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका आंसर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।